भारत के सुपरस्टार को हैदराबाद ने किया बाहर, उमरन मलिक के साथ हो रही नाइंसाफी। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 47वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रनों से हरा दिया। आखिरी 5 ओवर में उसे जीत के लिए 30 गेंदों में 38 रन चाहिए थे, जबकि आखिरी ओवर में 9 रनों की जरूरत थी और वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन ही बनाने दिए। इस शानदार जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के 10 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम ने केकेआर के खिलाफ अपने देश के जेनसन को मौका दिया, लेकिन उमरान को प्लेइंग 11 से बाहर रखा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब रिएक्शन देखने को मिला है। पिछले सीजन में उनका इस्तेमाल भुवी के साथ किया जा रहा था और उन्होंने खुद को साबित किया था। आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर ही टीम इंडिया में आए थे, लेकिन इस बार उनके बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने की एक वजह टीम स्ट्रेटजी भी हो सकती है। उन्होंने 7 मैचों में 5 विकेट झटके हैं। पिछले सीजन में उमरान के नाम 14 मैचों में 22 विकेट थे। दोस्तों, अब आखिरी मैच की बात करते हैं जिसमें उमरान नजर आए थे। यह मुकाबला भी दिल्ली के खिलाफ था। मैच में उमरान को एक ओवर मिला जिसमें उन्हें 22 रन पड़े। दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार को 4 ओवर में 45 रन और अकील हुसैन को 4 ओवर में 40 रन पड़े थे। यानी उमरान को सिर्फ एक ओवर ही मिली था, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी रन लुटाए थे। इतने रन पड़ने के पीछे ओस भी एक बड़ी वजह थी। इसके बाद अगले मैच यानी कोलकाता के खिलाफ उमरान को टीम से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, हैदराबाद यह बखूबी जानता है कि उसकी बैटिंग कमजोर है और गेंदबाज ही कमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद टीम में भारतीय टीम के स्टार पेसर उमरान मलिक को जगह नहीं दी। कार्तिक त्यागी को उतारा जिन्होंने 2 ओवरों में 30 रन खाए, जबकि अन्य गेंदबाज औसत रहे। पिछले 3 मैचों में उमरान मलिक के नाम विकेट तो नहीं थे, लेकिन एक ओवर को छोड़ दिया जाए तो गेंदबाजी उन्होंने जबरदस्त की थी। दोस्तों, क्या आप भी इस फैसले से नाराज है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।